दोस्तों, हमारी पृथ्वी ग्रह की रचना और इसका निर्माण अपने आप में ईश्वर द्वारा रची गई कल्पना से परे अविश्वसनीय एक कॉम्प्लेक्स घटना है, जिस पर समुद्र की उत्पत्ति की शुरुआत से लेकर डायनासोर के आगमन तक और डायनासोर के अंत से लेकर इंसानों की उत्पत्ति तक की फॉर्मेशन इतनी जटिल है कि जिसे जानने के बाद आप भी पृथ्वी ग्रह की हमारे सौरमंडल में मौजूदगी और इसकी भूमिका के आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की यह रोमांचक विज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत हम आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले से करेंगे, जब पृथ्वी का जन्म भी नहीं हुआ था, और तब से लेकर आज तक की सभी कड़ियों को इस एक ही वीडियो में पिरोने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं टवी और आप देख रहे हैं अपना साइंस चैनल टवी टेक्निकल स्पेस। दोस्तों, अर्थ यानी पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है, और एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां उन्नत सभ्यता राज कर रही है। हाँ, हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में और भी ऐसे दूसरे पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हों जिस पर एलियन सभ्यता निवास करती हो, लेकिन अभी फिलहाल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां निवास करने वाली सभ्यता अपने उन्नत टेक्नोलॉजी की मदद से इस ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में लगी हुई है और अंतरिक्ष में भी अपने पैर पसारने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। दोस्तों, बिग बैंग के बाद आज से लगभग 454 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में इंसानी समझ से परे एक अविश्वसनीय घटना की शुरुआत हुई, जिसमें अंतरिक्ष में तैरता हुआ विशाल धूलकण हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों ने ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण सोलर नेब्यूला को जन्म दिया, और सोलर नेब्यूला में धूल, हाइड्रोजन और हीलियम गैस समय के साथ साथ ग्रेविटी प्रभाव के कारण केंद्र में सिकुड़ने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप सोलर नेबुला के केंद्र का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा, और जिससे एक ऐसा संयोग बना जो आगे चलकर हमारे सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम का गठन करने वाला था। ब्रह्मांड में तैरता हुआ निहारिका, जिसे अंग्रेजी में सोलर नेबुला के नाम से जाना जाता है, अपने नजदीकी किसी तारे से तेजी से जा टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप कई परमाणु बम जैसा महाविस्फोट हुआ और जिसने जन्म दिया एक नए तारे को जिसे हम आज सूरज के नाम से जानते हैं। साथ ही हमारे सौरमंडल को बनने के लिए अब अपना केंद्र मिल चुका था। बीतते समय के साथ सूर्य के चारों तरफ फैले धूलकण पत्थरों ने खगोलीय पिंडों का निर्माण किया, जिससे जन्म हुआ हमारी पृथ्वी, चंद्रमा और हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों और उपग्रहों का। यही वह समय था जो भविष्य में पृथ्वी पर जीवन जीने की संभावनाओं की नींव रखने वाला था और इंसानों के वजूद को भविष्य में अस्तित्व में लाने वाला था। दोस्तों, पृथ्वी की उम्र हमारे ब्रह्मांड की आयु की लगभग एक तिहाई आंकी गई है, और पृथ्वी अपने गठन के शुरुआती दौर में काफी गर्म और उल्का पिंड के आतिशबाजियों से प्रभावित रहा है। हेडियन युग में ज्वालामुखी विस्फोट जैसे अप्रिय घटना इसके हर भाग पर लंबे समय तक चलते रहना एक सामान्य बात रही है। अब हेडियन युग के बाद आर्कियन युग की शुरुआत तक हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस पर मौजूद सभी भारी और गर्म पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित होने लगे थे, और पृथ्वी की बाहरी सतह समय के साथ साथ ठंडी होने लगी थी। अब ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न गैसों ने पृथ्वी पर इसके वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर का निर्माण करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आज से लगभग 410 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर वैज्ञानिकों को पानी अर्थात H2O के मौजूदगी के सबूत मिले हैं, जिससे वैज्ञानिकों के अनुसार यह पानी बर्फ के रूप में उल्कापिंड धूमकेतुओं के जरिए पृथ्वी की सतह पर आए और अत्यधिक गर्मी के कारण भाप में परिवर्तित होते गए और बादलों का पृथ्वी पर निर्माण करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये बादल और घने होते गए, जिसके परिणाम स्वरूप यह आने वाले कई करोड़ वर्षों तक जमकर बरसे और पृथ्वी की सतह पर समुद्रों का निर्माण किया। अब हमारी यह पृथ्वी जलाशय का केंद्र बन चुकी थी, लेकिन अब भी हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं थी और इसके एटमॉस्फेयर को बाहरी अल्ट्रावायलेट रेंज यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए ओजोन परत भी नहीं बनी थी। इस समय केवल वातावरण के नाम पर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गैसें ही मौजूद थी। यह समय था आर्कियन युग, जिसे जीवन की शुरुआत का आधार भी माना जाता है, क्योंकि आर्कियन युग में ही समुद्र के अंदर जीवन पनपने के संभावित वैज्ञानिक सबूत पाए गए थे। कुछ वैज्ञानिक इससे सहमति नहीं रखते, लेकिन कोई ठोस वजह भी नहीं दे पाते। वहीं दूसरी तरफ एक भीमकाय टक्कर के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह
चंद्रमा का निर्माण हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ समुद्री जीवों ने एक कोशिकीय लाइफ साइकिल की नींव रखी और समुद्री जीवन की शुरुआत की जो मीथेन गैस पर जिंदा रहते थे। दोस्तों, इसके बाद आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं कम होने लगी थी और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ अब पृथ्वी पहले की तुलना में तेजी से ठंडी होने लगी थी, जिसके कारण करोड़ों वर्षों तक चलने वाले हिमयुग की शुरुआत हुई और हमारी पृथ्वी एक बर्फ के गोले के रूप में लंबे समय के लिए परिवर्तित हो गई। लेकिन समुद्र के अंदर मौजूद जीवों ने अपने आप को बचाए रखने में सफल रहे और साइनोबैक्टीरिया नामक जीवों ने फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के जरिए ऊर्जा प्राप्त करके अपने आप को जीवित रखा। दोस्तों, समुद्र के अंदर ये जीव ऑक्सीजन को छोड़ने और मीथेन गैस को लेने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और जीवन जीने के लिए प्राणदानी हवा का विस्तार तेजी से बढ़ने लगा और जिससे आगे चलकर ओजोन परत का भी निर्माण हुआ। दोस्तों, इसके बाद आज से लगभग 160 करोड़ साल पहले पृथ्वी के परतों में टकराव और भूकंप तरंगों के कारण महाद्वीपों के टूटने और फिर से निर्माण की प्रक्रिया लगभग अगले 20 करोड़ साल तक चलती रही। अब हमारी यह पृथ्वी पूरी तरह से जीवन जीने योग्य बन चुकी थी। पृथ्वी के कोर में गतिशील भारी लोह इस्पात जैसे पदार्थों के कारण पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड बन चुका था। ऑक्सीजन पानी भी प्रचुर मात्रा में बन चुके थे, लेकिन अब भी जीवन समुद्रों में ही सिमटा हुआ था और पृथ्वी की धरती वीरान पड़ी हुई थी। अब किसी चमत्कार की जरूरत थी जिसके कारण जीवन धरती पर भी पनप सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। पृथ्वी के भूखंडीय भाग पर जंगलों ने अपना बसेरा घना करना शुरू कर दिया था और तभी आज से लगभग 100 करोड़ साल पहले प्रथम बहुकोश के जीवों ने बनना शुरू किया, जिससे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों ने भी अपना विकास करना शुरू कर दिया और आने वाले समय में धरती पर भी जीवन की संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए ठोस वजह दे दी। दोस्तों, अब वह समय नजदीक था जब डायनासोर का आगमन धरती पर होने वाला था, लेकिन इससे पहले आज से लगभग 53 करोड़ साल पहले पहली बार किसी जीव ने समुद्र से बाहर धरती पर अपने पहले कदम रखे थे, जिसे टेट्रापोड के नाम से जाना गया। बीते समय के साथ साथ अब जीवन धरती पर भी पनपने लगा था, लेकिन इस विकास में क्रांतिकारी मोड़ आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले आया, जब पहली बार महाकाय जीव डायनासोर ने धरती पर अपने कदम रखे। यह विशाल महाकाय जीव इतने खतरनाक थे कि उस समय मौजूद सभी जीवों के विलुप्त होने की रफ्तार बहुत तेज हो गई। डायनासोर इतने विशाल थे कि इनसे छोटे जीवों को अपने जीवन यापन के लिए सदैव छुप करके ही अपने भोजन का इंतजाम करना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद भी कई जीव प्रजातियों पर उस समय विलुप्त होने का संकट बन चुका था और चारों तरफ धरती पर केवल डायनासोर का ही राज था। लगभग 14 करोड़ वर्षों तक इन विशालकाय जीवों ने राज किया, लेकिन फिर वह समय आया जब डायनासोर के पापों का हिसाब होना था। आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले बाहरी अंतरिक्ष से एक अति विशाल उल्कापिंड 70,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ा और तेजी से जा टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर चल रहा जीवन अस्त व्यस्त हो गया और धरती और समुद्र में जीवित ज्यादातर जीव समाप्त हो गए और इन्हीं के साथ अंत हो गया डायनासोर का। दोस्तों, अब धरती पर वो जीव राज करने वाले थे जो इस महाविनाशक हमले से बच निकले थे, और वो थे स्तनपायी जीव मेमल्स। लेकिन दोस्तों, अभी भी पृथ्वी पूरी तरह से हमारे जीने योग्य नहीं बनी थी और सिर्फ हमारे भविष्य की आधारशिला रखी गई थी। दोस्तों, आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर हुई हलचल के कारण एशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ और इसी से निर्माण हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का, जो आगे चलकर मौसम बनाने वर्षा करवाने के लिए जिम्मेदार होने वाले थे। अब वह समय आ चुका था जब पृथ्वी ग्रह की धरती पर उस सभ्यता का आगमन होने वाला था जो इस धरती पर आने वाले समय में पूरी तरह से राज करने वाले थे, और वो थे हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस। इन्हीं आदि मानव प्रजाति के विकास से हम इंसानों की उत्पत्ति हुई और यह प्रक्रिया आज से 80,000 साल पहले शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप हम इंसान आज इस पृथ्वी लोक पर वितरण कर पा रहे हैं और आए दिन नई उपलब्धियों को छूने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पृथ्वी ग्रह की जन्म कथा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही विज्ञान वर्धक वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। आपका धन्यवाद। जय भारत।